जो इतने समीप कि उससे कोई भिन्नता ही नहीं, वो कैसे दिखेगा? दिखता तो वो है पुत्र जो दूर था, किसी के स्वीकार करने या ना करने से सत्य असत्य नहीं हो जाता। यदि समुद्र में उठती तरंग अपने को समुद्र से पृथक मानने लगे तो क्या ये सत्य हो जाए? व्यक्ति तीन कारणों से प्रश्न पूछता है पुत्र। एक कारण में व्यक्ति केवल पूछने के लिए पूछ लेता है, उसे पूछने की आवश्यकता नहीं होती। यदि उस प्रश्न का उत्तर मिले तो ठीक, यदि उत्तर ना मिले तो भी ठीक। इसे कौतूहल कहा जाता है गणेश। किंतु कुछ व्यक्तियों में एक जिज्ञासा उत्पन्न होती है गणेश, उत्तर आवश्यक होता है मात्र भौतिक रूप से, आत्मिक रूप से। इस उत्तर का उपयोग मात्र इतना ही होता है गणेश कि इससे जानकारी बढ़े, बुद्धि का विकास, विचारों का आधिक्य, जैसे संपत्ति का संचय होता है। किंतु उससे आंतरिक विकास नहीं होता है गणेश, कोई परिवर्तन नहीं आता। किंतु जब यही जिज्ञासा केवल भौतिक विकास के लिए ही नहीं, जीवन के लिए अनिवार्य हो जाए तो उससे मुमुक्षा कहते हैं। जब जीवन का प्रत्येक निर्णय उसे उत्तर पर निर्भर हो जाए, जब वो उत्तर ही परिवर्तन का आधार है, इसलिए निर्भर करता है कि प्रश्न पूछते समय व्यक्ति इन तीनों में कौन से तल पे है। कौतूहल, जिज्ञासा या मुमुक्षा।